अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। माताएं यह व्रत संतान की लंबी आयु और उनके सुख सौभाग्य के लिए रखती हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। यह चौकी आपको उसी स्थान पर लगानी है जहां पर आपने करवा चौथ की पूजा की है। पूजा में हम अहोई माता की फोटो रखेंगे, भगवान गणेश की स्थापना करेंगे, गेहूं की टेहरी लगाकर हम एक दीपक जलाएंगे। अब हम एक जल का कलश लेंगे जिस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। इसी कलश से हम शाम के समय तारों को अर्घ देंगे। अब हम दो करवे लेंगे जिनसे हमने करवा चौथ की पूजा की थी। आप चाहें तो कोरे करवे भी ले सकते हैं। इन करवों में जल भरा जाता है, इनका भी पूजन किया जाता है। दीपावली के दिन सभी लोग अपने नहाने के जल में थोड़ा सा जल मिला करके इस करवे के जल से स्नान करते हैं। पूजा में सास के लिए पायना निकाला जाता है जिसमें एक साड़ी, सुहाग का सामान और कुछ दक्षिणा रखी जाती है। उसके बाद अहोई माता की किताब पढ़ी जाती है जिसमें हाथ में गेहूं लेकर के कहानी को सुना जाता है। गेहूं के कुछ दाने हम कलश में डालेंगे, कुछ दाने हम अहोई माता को चढ़ा देंगे।